हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और अब थोड़ी देर में बच्चे निकलेंगे, तो उन लोगों का रिव्यू लेते हैं कि एग्ज़ाम गया कैसा है। और काफ़ी टाइम बाद इस तरह का वीडियो मैं बना रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट के पीछे से बच्चे आ रहे हैं। तो एक स्टूडेंट आ चुकी है, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा गया। और टॉपिक क्या क्या आए थे? फेस्टिवल आया था, सब्जी मंडी आई थी और रेलवे स्टेशन। तब तो इजी टॉपिक था, तब तो बहुत अच्छा ही गया होगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और हिमांशु, कैसा रहा पेपर मेरे कोचिंग के? मस्त था, बहुत इजी टॉपिक आया था। मैंने क्या बोला कि जो मैंने सारे आपने जो बताए थे सारे मैंने बोला ना कि बहुत टफ नहीं आएगा। अगर पिछले साल किसी आया है तो इस बार भी टफ नहीं आना चाहिए। और जो तीनों टॉपिक मैंने बोला, तीनों टॉपिक आया जो आपने सब प्रैक्टिस करके आया था। गाइस, आप देख सकते हो जो मैंने बताया था। अच्छा, कुछ बताने चाहोगे मेरे कोचिंग किससे रिलेटेड कुछ बच्चों को? मैसेज ज्वाइन कर लो, अच्छा होगा। थ्योरी वगैरह सब बहुत अच्छा है पढ़ाती है मैम, और प्रैक्टिकल सारे टॉपिक बता रखे थे, वही टॉपिक आए सारे। तो गाइज, आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे सब उसी से है। थ्योरी में मैंने जितना पढ़ाया था, एक भी थ्योरी बाहर से नहीं आया था। अभी मेरी न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर से, अभी भी आप इनरोल कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, फटाक से जाओ कोचिंग ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत लेट नहीं हुई है। और जो पढ़ा दिया गया, जो आप लोग का छूट गया है, वो फिर से पढ़ाया जाएगा। और अब इसी ये भी मेरे कोचिंग के बहुत परेशान हो रहे थे कैसा जाएगा पेपर। अब तो पूछने की जरूरत नहीं है, पेपर तो अच्छा ही गया। बहुत कसके बोलो, कसके आवाज बहुत अच्छा गया। आवाज में खनक होनी चाहिए ना। और क्या क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि मेरी कोचिंग को लेकर कुछ एडवाइस कहना चाहूंगा लोगों की? आप की कोचिंग से जुड़े और आप बहुत अच्छे से डिटेलिंग हर चीज़ें बताती हैं और वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कैसा लगा आपको पढ़ के मेरी कोचिंग में? बहुत अच्छा। और आपने कौन सा टॉपिक बनाया? सब्जी मार्केट। सब्जी मार्केट बनाए थे, इसी टॉपिक पे गए सब्जी मार्केट बनाया। ये बहुत परेशान हो रहा था, ये भी मेरे कोचिंग की नाम बताया कंचन। कंचन कैसा लगा आपको? कौन सा टॉपिक? और क्या सजेस्ट करना चाहोगे आने वाले स्टूडेंट को कि उन्हें मेरी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो गाइस, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लो, स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, ठीक है? अरे विदिता, ये मेरी कोचिंग की, अभी जितने भी देख रहे हो आप कोचिंग की, कैसा रहा विदिता? बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात है। और बाकी हाँ, टॉपिक तो इजी है। और कैसा रहा पेपर? टॉपिक तो आप लोगों ने सुन ही लिया है, मार्केट सीन, फेस्टिवल और रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन तीन टॉपिक आए, तीनों ही टॉपिक बहुत टफ नहीं थी, तो पेपर अच्छा रहा। स्माइल देख सकते हैं आप लोग। नमस्ते आंटी, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा मैम। तो स्माइल के साथ सब लोग निकल रहे हैं, ये भी कोचिंग की है। सीन है। अच्छा, मार्केट सीन, मुझे तो लगता है बहुत लोगों ने मार्केट सीन ही बनाया होगा, है ना? यस मैम। और बाकी लोग सारे स्टूडेंट कोचिंग के अंदर है? यस मैम। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। और आंटी, आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, आपने आपकी कोचिंग में मेरी बेटी क्लास की है, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से सिखाया और अच्छे से एग्जाम भी दिया है। कौन सा टॉपिक बनाया आप? रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे बनाया है नाम आपका कंचन? ये भी मेरी कोचिंग की है, कंचन रेलवे स्टेशन पे बनाया है। और ये उनकी मम्मी है। हेलो, फिर नाम बताओ फटाफट, नाम बताओ। स्वाति और श्रुति, इसको पहचान रही है वीडियो, ये कैमरा ऑन रखती है। हाँ, तो ये सब हम मुस्कान सब कोचिंग के मेरे, आप देख सकते हो कितने लोगों, कितने स्टूडेंट आए हैं मेरे कोचिंग से एग्जाम देने के लिए प्रैक्टिकल का। और साइड से बात है गाइस, जो टॉपिक मैंने, ये तीनों टॉपिक है, मैंने बहुत सारे टॉपिक, लगभग सारी टॉपिक्स मैंने बता रखी थी, तो आ गया उसी में, तो सबने अच्छे से बनाया है ना। क्या तीनों टॉपिक तो मैंने बताई थी? यस मैम, मैंने इंडियन फेस्टिवल पे बनाया है, देख लो। चलो, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है कि सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। और अरे, ये मेरी टॉप बॉय, अरे अरे आप, अच्छा तो श्रुति बताओ, ये मेरी क्लास की सबसे चहकती लड़की है, बिना बोले तो रहेगी नहीं। कैसा रहा श्रुति पेपर? इतना स्लो, ऐसे तो क्लास में बहुत तेज बोलते हो आप, तबियत खराब है। अच्छा ये बताओ, ये तीनों टॉपिक मैंने बताया था जो एग्जाम में आया था, और मैंने बोला भी था ना कि ये तीनों टॉपिक में आ जाएगा कोई ना कोई, और तीनों ही आ गया। और गाइस, इससे भी एक्स्ट्रा मैंने एटलीस्ट 20 अराउंड टॉपिक्स मैंने प्रैक्टिकल में बताए थे वैसे, लेकिन ये सब टॉपिक मैंने बोला भी था। क्या बोला था? खास करके इस पे हाँ प्रैक्टिस करें। और आप देख सकते हो कि आ भी गया लकली। और ऐसा है पिछले साल, क्योंकि जिस हिसाब से टॉपिक आते हैं उसके नेक्स्ट ईयर भी हम लोग उसी हिसाब से आते हैं लगभग, तो पेपर सबका अच्छा रहा है। और वही फिर मैं कहूँगी, कोचिंग ज्वाइन करो, स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लेट मत कीजिए। अच्छा हेलो, अरे खुश रहिए, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। नाम बताएं? नेहा। अच्छा अच्छा, नेहा चंद्र, ये भी मेरी कोचिंग की आई आंटी, आपकी आ गई है। तो आंटी, कैसा लग रहा है बीटी का पेपर? अच्छा गया? अच्छा लग रहा है। और कौन से टॉपिक पे बनाया था आपने? सब्जी मंडी। सब्जी मंडी पे बनाया था गाइस।
ओके, और ऐसे अंदर कोई परेशानी हुई नहीं? नो मैम, अच्छे से पेपर मिला ना? ओके, चलिए सिंपल अदिति गाइस आई थी तो मैं सबसे मिली, कोई समझ नहीं आता कि कहाँ गए सब, और अभी लास्ट में सब लोग एक एक करके दिख रहे हैं। सिंपल है, ये अदिति है, मेरे कोचिंग की है। और कौन कौन सा टॉपिक बनाया आप लोगों ने? सब्जी मंडी। कैसा बना? बहुत अच्छा बना। अब बहुत अच्छा तो आपका रिजल्ट भी बताएगा, है ना, क्योंकि सब लोगों का गाइस बहुत अच्छा गया है, तो फिर कटअप भी हाई ही जाएगा। और कैसा पढ़ाया मैंने आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप बच्चों लोगों को कि मेरी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता था, मुझे आ गया, ये मैम की मेहरबानी है। और थ्योरी कैसा पढ़ाया मैंने आप लोगों को? बहुत अच्छा मैम, हर चीज मतलब डिटेल था, सब बताओ आप ऑडियंस को, हर चीज डिटेल में बताइए, मैम ने बहुत अच्छे से समझाया था। ओके, तो गाइस ठीक है, अब अच्छा लग रहा है कि जब टीचर्स भी ऐसे मेहनत करते हैं और फिर बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी फोटो खिंचाएंगे, फिर हम लोग घूमने भी चलेंगे साथ में, वहाँ पे भी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, आ जाओ आ जाओ, पैर मत छुओ, बस ऐसे ही खुश रहो। क्या नाम है? हाँ चलिए, भी कोचिंग की यार, मैं चेहरे से नहीं जानती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि 60 अराउंड स्टूडेंट मेरे कोचिंग से प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सिलेक्शन हुआ है और सबका पेपर अच्छा गया है। और एक टीचर को क्या चाहिए कि बस उसका पेपर अच्छा, बच्चों का पेपर अच्छा जाए, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कौन सा टॉपिक बनाया? सब्जी मंडी। सब्जी मंडी बनाया, तो बस यही कहूँगी कि आने वाले टाइम पे कि आप भी इस माहौल का हिस्सा बन सकते हैं नेक्स्ट ईयर। इसके लिए आपको करना क्या है गाइस? क्या करना है इसके लिए? स्ट्रगल करना और बोलो प्रैक्टिस करना है। और मैम की कोचिंग ज्वाइन? हाँ ज्वाइन करनी। मैम की कोचिंग बहुत अच्छी पढ़ाई हम लोगों को। कैसी पढ़ाई? अच्छा जब बताओ, जैसे कि थ्योरी भी बहुत गजब पढ़ाया था आपने, और फिर प्रैक्टिकल का तो डेली मतलब सैटरडे को टेस्ट लेती थी, और इसीलिए हम लोगों का मतलब लग रहा है कि निकल जाएगा मैम। तो मैं हाँ, मेरे कोचिंग में प्रॉपर टेस्ट होता है, प्रॉपर कॉपी भी प्रॉपर डेली चेक की जाती है, प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी और प्रॉपर डीप में पढ़ाया जाएगा। तो गाइस ज्वाइन कर लो, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लो, स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए, बहुत होनहार स्टूडेंट। तो बिल्कुल कैसा रहा पेपर? एकदम मस्त मस्त। कौन कौन सा टॉपिक है एक बार बता दो? सब्जी मार्केट, हाँ, फेस्टिवल, हाँ, और प्लेटफॉर्म। और कैसा पेपर, मतलब क्या लगता है सिलेक्शन होगा? हाँ, हो जाए। तो ये है कॉन्फिडेंट, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी भी अच्छी हुई है इसकी और प्रैक्टिकल भी अच्छा हुआ है। तो अभी और भी देख सकते हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं। हेलो, कैसा रहा पेपर आप सबका? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, यही आ रहा है, बहुत अच्छा। तो चलिए अच्छी बात है। और उर्दू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या सर आप लोग का पेपर? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा, यही आ रहा सुनने में, बहुत अच्छा रहा। इसका रीजन ये भी है कि आप देख सकते हो टॉपिक बहुत टफ नहीं आई थी, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी और फेस्टिवल, गाइस ये तीनों बहुत टफ टॉपिक नहीं है खुद में, और अगर ये टॉपिक आने के बाद भी अच्छा ना जाए तो फिर क्या बोले। और जैसे ही देख रहे हैं कि और भी बच्चे निकल रहे हैं, कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा मैम। और अंकल कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है कि बेटी का पेपर अच्छा गया है? अच्छा लग रहा है, क्या लगता है सिलेक्शन होगा? हो जाना चाहिए, ये कॉन्फिडेंट है कि हाँ हो जाना चाहिए, बाकी तो रिजल्ट देखते क्या आता है। ऐसा कोई परेशानी अंदर में कि कुछ ऐसा पेपर टाइम पे ना मिला हो, कुछ ऐसा कुछ? नहीं नहीं, टाइम भी दिया गया और सुबह तक का भी टाइम दिया गया। अच्छा, मतलब अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई टीचर से? होता ना कि पेपर पहले छीन लेते हैं या फिर क्या करते हैं, समय नहीं देते या लेट पेपर मिला, ऐसा कुछ है? तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई गाइस, बहुत आराम से 2 घंटे दिए गए हैं प्रॉपर, और सभी ने अच्छे से पेपर करे भी हैं। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, पीछे की भीड़ आप देख सकते हो, है ना? मुझे पता है मेरी स्टूडेंट अभी बहुत सारे लोग तो आ रहे हैं। और यहाँ पे हेलो, कैसे रहा पेपर? बहुत अच्छा, तो बस यही सुनना था मुझे भी, ठीक है अच्छा जाए। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई ऐसे अंदर, आप लोग शेयर करना चाहोगे आने वाले बच्चों के लिए, कि वो लोगों को टेंशन होती है कि पेपर सही समय पे नहीं देते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम? हाँ लाउड बोलो। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो आप क्वेश्चन पेपर भी पहले दे दें? क्वेश्चन पेपर भी पहले दे दिया गया था, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया, तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आया। तो ये सब मेरे कोचिंग के, ये जितने लोगों से भी आप बात कर रहे हैं, मैंने जो वीडियो में बात करा है,
और पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था पेपर, इजी आया था, आपने जो टॉपिक समझाए थे सारे वही आए थे। मैंने बोला भी था कि देखो डेली लाइफ ऐसा टॉपिक है कि आएगा, और रेलवे स्टेशन में मैंने बोल रखा था और फेस्टिवल भी बोल रखा था, तो वो तीनों ही देखो आ गया है ना। ये मैंने पहले अपने स्टूडेंट को बता रखा था कि देखो ये टॉपिक कॉमन होते हैं, ये आएगा और कोई ना कोई एक तो मैच कर ही जाएगा, जो कि गाइस मैच कर भी गया। और सब अच्छा नहीं कह रहे, बहुत अच्छा कह रहे, खासकर मेरी कोचिंग है तो बहुत अच्छा कह रहे, तो मुझे सुन के अच्छा लग रहा है। कैसा रहा पेपर, नाम क्या आपका? राज गुप्ता। कैसा रहा राज गुप्ता पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। अरे वाह, आगे ना एकदम प्रॉपर बना के आए। चलो, ऐसा कुछ अंदर कोई परेशानी हुई टीचर्स के थ्रू? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं थी। कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छे से एग्जाम हो गए है ना। 2 घंटे, 2 आवर्स सफिशिएंट थे। हाँ, और समय बच भी गया था। अच्छा, और समय बच भी गया था, ये देख लो। हेलो, कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा, अच्छा रहा। क्या किस टॉपिक पे बनाया आपने? वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल, क्या नाम है आपका? चेतन्य। अच्छा चेतन्य, ये भी मेरे कोचिंग की है। गाइस वीडियो को जब कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाते तो फेस हर कोई दिखाता नहीं है, तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये भी मेरे कोचिंग की है। फेस्टिवल बनाया आपने? फेस्टिवल में वेजिटेबल, वही वेजिटेबल मार्केट। चलो, बहुत अच्छा, बहुत सही है। हेलो, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। अरे खुश नहीं, खुश नहीं है। कैसा रहा पेपर? आप लोग भी कोचिंग की हो क्या? नहीं, ये लोग भी कोचिंग की है मेरे, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था प्रैक्टिकल के लिए मेरे कोचिंग से, अराउंड 60 अराउंड बच्चों का सिलेक्शन हुआ था कोचिंग से। और अभी मिल रहे, क्या क्या नाम है, नाम बता दे। काजल, अर्चना, कविता। अच्छा, अर्चना, कविता, हाँ जान रहे कविता, और ये काजल। हाँ भाई, तीनों नाम तो मैं सबको जानती हूँ, फेस से थोड़ा पहचानना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भाई ये लोग कैमरा ऑन नहीं करती ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि मैं बोलती हूँ कैमरा ऑन करो, मैं पहचानूंगी कैसे। मुझे मिल के कैसा लग रहा है ये बताओ? वेट कर रहे थे, मैं मॉर्निंग में आई थी, बट अब सबसे मिलना नहीं हो पा रहा था। चलो, गुड आफ्टरनून। कैसा, कौन टॉपिक पे बनाया? वेजिटेबल। कैसा रहा? थैंक यू मैम, इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। ये भी मेरी कोचिंग की, ये क्या नाम है? आस्था कश्यप। आस्था, अच्छा आस्था है। हेलो, खुश रहिए, खुश रहिए। तो कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। नाम? स्वाति सिंह। अच्छा स्वाति, ये भी मेरे कोचिंग की आई। बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो मैं इतना पिछले साल भी नहीं आ पाई थी, उसके पिछले साल भी नहीं आ पाई, पहली बार मिला। हाँ, तो अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिल करके। और कैसा, कौन सा टॉपिक बनाया आपने? मैंने सब्जी मंडी बनाई। सब्जी मंडी बनाया, और क्या सजेस्ट करना चाहोगे मेरे कोचिंग को लेके, बच्चों को उन्हें ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। थ्योरी कैसा पढ़ाया मैंने आप लोगों को? बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, और मतलब सारी चीजें मैंने कवर की थी। कुछ भी ऐसा थ्योरी में था जो आउट ऑफ क्या कहता है टॉपिक से बाहर आ गया हूँ? नहीं, आपने तो पूरी बुक ही पढ़ने को सजेस्ट की थी, और सारी बुक मैंने, हाँ मैंने पढ़ाई भी थी, तो कुछ भी सारा आप लोगों का। अच्छा, प्रैक्टिकल कैसा पढ़ाया मैंने? प्रैक्टिकल भी अच्छा था आपका, तो क्या सजेस्ट, लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस कर सकते हो। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मुस्कान यादव। हाँ, एंड माय मैंने वेजिटेबल वेजिटेबल मार्केट का सब लोगों पर ड्रॉइंग बनाई थी, एंड मैम का टॉपिक चैनल पर टाइम फॉलो करती हूँ। मैम जितनी कम्पोजिशन मैम ने बनाई हुई है वो सब में मैम प्रैक्टिस करी थी मैंने। और कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरे चैनल का? बहुत ही अच्छा। मेरे वीडियोस का कैसा? और मैम हर अपडेट आती है टाइम से, नहीं कभी पीछे नहीं रहते। और बेनिफिट होते हैं आपको मेरे चैनल से? यस यस। तो क्या कहना चाहोगे, सब्सक्राइब करना चाहिए? यस श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरी। हाँ, और आप मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी शो कर रही है मेसी अंडरस्कोर पेपर्स के नाम से। एक साथ सब लोग आ जाओ ना। विनीता, जब आप आए थे तो आपको वाटर कलर की नॉलेज थी? इसको वाटर कलर फ्लो करना तक नहीं आता था, स्केच करना नहीं आता था, कितना इंप्रूवमेंट हुआ कोचिंग में? बिल्कुल जीरो से मतलब 100 तक ऐसा हो गया। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन हाँ बेस्ट चीज़ ये थी कि मेहनत थी, क्योंकि बिना मेहनत का टीचर भी क्या करेगा। उसने बहुत, जैसे से मैंने कहा कि नहीं डेली काम कीजिए, डेली स्केचिंग कीजिए, जो मैं बताई थी, तो उसने फॉलो भी करा है ना, और काफ़ी इंप्रूवमेंट। मैं इसको बोलती भी थी क्लास में कि भाई इतनी तेज़ी से इंप्रूवमेंट अंकल, ये अंकल है विनीता के पापा है, और मैं अंकल से भी यही कहना चाहूँगी कि सच में अंकल जितनी तेजी से इसका इम्प्रूवमेंट मैंने देखा, मैं इसको क्लास में बोला है कि इतनी तेजी से और सब बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत मेहनत। हाँ, हमारे देखते देखते मेहनत भी बहुत की है, और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया जी। चलिए, अभी सब लोग बच्चे एक साथ इकट्ठा होंगे और यहाँ से वीटी जाएंगे, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि सबको मैं वीटी घुमाने वाली हूँ, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे है ना। तो यहाँ पे अभी सेल्फी राउंड चल रहा है, सबको फोटो खिंचवाना है मेरे साथ। तो नहीं, कैमरा तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। हाँ। देखो सब लोग भेज देना, जितने लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे हो है ना। तो गाइस अभी थोड़ा सा वीडियो ऑफ करते हैं, ऑलरेडी 14 मिनट का वीडियो बन चुका है, और साइड में आके ही बोलूंगी
कि अभी हम लोग यहाँ से वीटी निकल रहे हैं सारे स्टूडेंट के साथ। अभी वहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारे बच्चे उधर है इधर है बिखरे हुए, और यहाँ से वीटी चलेंगे। और ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छी तो लगी होगी गाइज। इस वीडियो का, इस तरह के वीडियो का वेट तो सभी बच्चे करते हैं कि लाइक उनको भी जानना होता है कि बच्चों का पेपर कैसा गया, अच्छा गया कि नहीं गया, और कैसा रिव्यू था, अंदर का माहौल कैसा था लोग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम एग्ज़ाम देने गए, टीचर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले ही समय से पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे और पूरा प्रॉपर 2 घंटे दिए गए थे, कोई ऐसी परेशानी अंदर नहीं हुई। टॉपिक भी था, बहुत टफ नहीं कहेंगे, बहुत ईजी भी नहीं कहेंगे, हालांकि नॉर्मल टॉपिक आई थी। ये सब टॉपिक जो होती है कि हर साल कॉमन आते रहती है, ठीक है, वही सब आई थी। और देख सकते हैं कि जब वही सब आई थी तो सब ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा था, तो सबका अच्छा नहीं, बहुत अच्छा गया। अब यही उम्मीद करती हूँ कि रिजल्ट भी सबका आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्रैक हो और उनका एडमिशन हो। और इस वीडियो को मैं यही पेंट करती हूँ, बस यही कहूँगी लास्ट में कि जिन लोगों को अभी भी ज्वाइन करना है, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और मैसेज कीजिए मुझे, या पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं और कोचिंग से जुड़ जाइए। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।